नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में छात्रों की बड़ी जीत। बीएड सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज ख़त्म हो चुकी है। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में सभी को मौका मिलने जा रहा है। यूपी बीएड में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन जारी हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एक छोटी सी जानकारी आप सभी मित्रों के लिए जो इस बार यूपी बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे संस्थान के माध्यम से आप सभी मित्रों के लिए सुनहरा ऑफर है। यूपी बीएड करने का सुनहरा अवसर। एससी और एसटी का निःशुल्क और जनरल ओबीसी की फ़ीस 20,000 जल्दी करें, क्योंकि सीटें हैं सीमित हमारे संस्थान में। अगर जो अभ्यर्थी हमारे संस्थान में एडमिशन लेना चाहता है तो जो नंबर दिया गया है 63-93-34-80-45 पर आप लोग व्हाट्सअप करके, फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग जल्दी कीजिए, आवेदन आप सभी के शुरू हैं। 15 मई यूपी बीएड के आवेदन की लास्ट तिथि है और 6 जुलाई को आप सभी के यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम है। तो पहले आओ पहले पाओ का नारा बुलंद है हमारे संस्थान में, क्योंकि सीटें सीमित हैं। 100 सीट ही हमारे संस्थान में है, तो जो पहले 100 भाग्यशाली जो हमारे भाई बहन हैं जो संपर्क करेंगे, पहला उन्हीं लोग को मौका मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ब्रिज कोर्स को लेकर। ब्रिज कोर्स के संबंध में आज माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ हाई कोर्ट में अपने मामले की अंतिम सुनवाई हुई, जिस पर माननीय जज ने सरकार के अधिवक्ता से पूछा, पिछली सुनवाई पर आपने कहा था कि ब्रिज कोर्स के संबंध में प्रपोजल शासन को भेजा जा चुका है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सर 25/4/2022 को सरकार को ब्रिज कोर्स कराने के लिए विभाग से प्रपोजल भेज दिया गया है। इस पर जज साहब ने कहा, ये सब कब तक चलेगा? अभी प्रथम चयनित लोगों के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब हजारों तरह की याचिकाएं आएंगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर अंतिम रूप से आज कोर्ट ने आदेश करते हुए कहा कि 25/4/2022 के प्रपोजल पर राज्य सरकार जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स कराए। यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिज कोर्स के संबंध में आने वाला कोई भी वाद स्वयं माननीय न्यायालय में खारिज हो जाएगा। हमने हमेशा जो कहा वो किया और वही मिला। 69,000 चयनित समस्त बीएड साथी अब निश्चित होकर अपनी नौकरी करें। आज के बाद चयनित साथियों का ब्रिज कोर्स का अध्याय समाप्त हो चुका है। तो जो मामला मित्रों ब्रिज कोर्स को लेकर था कि देखा जाए तो 2 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, उसी को लेकर आपके लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई थी। और सुनवाई में ये तय हुआ कि 25/4/2022 का जो प्रपोजल है, अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई भी मामला अगर आपके कोर्ट में जाएगा स्वतः ही वो खारिज हो जाएगा। तो जो ब्रिज कोर्स का मामला है, समझिए वो ठंडे बस्ते में चला गया है। बीएड बीएसटीसी केस में एमएचआरडी का फ्रेश केस होने और एसएलपी टैग नहीं होने से जज साहब पढ़कर नहीं आने का हवाला देते हुए बहस नहीं हो पाई। अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों की वजह से 19 जुलाई को होगी। एमएचआरडी के एडवोकेट पैनल हमारे एडवोकेट के साथ कोर्ट में मौजूद थे। तो मित्रों सब मिलाकर यही है कि जो आज सुनवाई होनी थी 28 अप्रैल को, आज सुनवाई कुछ भी नहीं हुई, नेक्स्ट डेट लगा दी गई है 19 जुलाई, क्योंकि बीच में गर्मियों की छुट्टी है 1 महीने, आप सभी जानते हैं कि उसी की वजह से डेट को आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों मेरे दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं महिला मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी आयोग की आवश्यक सूचना -- दिनांक 5 अप्रैल 2022 के संदर्भ ग्रहण करें। आयोग द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा
नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट ना किया जाए। यानी यह है कि अगर जिन अभ्यर्थियों का एक भी नंबर है तो मुख्य परीक्षा में भाग लेगा। तो सब मिलाकर आप लोग देखा जाए तो लेखपाल भर्ती की बात की जाए तो यहाँ पर जिनका परसेंटाइल 33% रहेगा, जो मेरा मानना है कि सभी को मौका मिलेगा, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए मुख्य परीक्षा की। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सभी विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी समन्वय नियुक्त करें। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय को भेजे पत्र। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा कराने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजे हैं, कहा कि वह अपने यहाँ परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी व समन्वय बनवाएं। साथ ही उनके नाम भी विश्वविद्यालय ने मांगे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा कराने के लिए तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। समय सासमय आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, 20 मई तक चलेगी। अब तक विश्वविद्यालय को 1.25 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि आवेदनों की संख्या 5 लाख पार जाएगी। ऐसे में परीक्षा का बेहतर संचालन हो, इसी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होना है। सभी विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा अब विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर नोडल अधिकारी व समन्वय बनाने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराते हैं, प्रशासनिक अफसर आदि का भी सहयोग रहता है। बताते हैं कि विश्वविद्यालय तय तिथियों के मुताबिक ही हर कार्य कराएगा। तो जो इस बार यूपी बीएड में आवेदन आने की संख्या है वो 5.5 लाख तकरीबन आने वाले हैं, तो सीटें हैं आपके 2,20,000। यानी प्रतिस्पर्धा काफ़ी कड़ी होने वाली है। तो जो अभ्यर्थी हमारे संस्थान में निःशुल्क एससी और एसटी का निःशुल्क लेना चाहते हैं और जनरल ओबीसी के जो फीस रखी गई 20,000, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिए 63-93-34-80-45 पर आप लोग संपर्क कर लीजिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।